हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल योर ब्यूटी सॉल्यूशंस। मैं हूं आशु एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट जो कि है मेबेलिन का फिट मी फ्रेश टिंट। सो ये एक मेकअप प्लस स्किन केयर प्रोडक्ट है जो कि इन्होंने एवरीडे यूज़ के लिए लॉन्च किया था काफ़ी टाइम पहले। मैंने इसको 2 महीने पहले लिया था एंड 2-3 बार ही मैंने इसको यूज़ किया है, बट अभी इसका रिव्यू मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ दैट मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस से। सो इसका प्राइस है 399 रुपीज़ फॉर 30 ml प्रोडक्ट, बट आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट में ये मिल जाता है। इसको यूज़ कर सकते हो 8th month ऑफ 2025 तक, तो बहुत लंबी सेल्फ लाइफ आपको इसकी मिल जाती है। तो इस तरह की प्लास्टिक की रेक्टेंगुलर पैकेजिंग में ये आपको रिसीव होता है एंड इस पर आपको एक नोजल मिल जाता है ऊपर। तो इस तरह की इसकी पैकेजिंग है एंड इसमें आपको 30 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया, शेड इसमें 6 अवेलेबल है मार्केट में टोटल। यहाँ पे मेरे पास ये 03 शेड नंबर है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा मैच है मेरी स्किन टोन का। एंड बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, तो कोई खास तरह की फ्रेग्रेंस इससे नहीं आती है। अगर आपने इसकी अदर फाउंडेशंस यूज़ करी होंगी जैसे कि फिट मी हो गया, सुपर स्टे हो गया, तो सेम वैसे ही केमिकली सेंट इससे, मतलब वैसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इससे आती है। सेम बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें आपको विटामिन सी मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे आपको SPF 50 मिल रहा है। बट जो यूवी फिल्टर्स इन्होंने इसमें यूज़ किए हैं वो फिल्टर्स आपको सिर्फ सन की UVB रेज से प्रोटेक्ट करेंगे आपकी स्किन को, ना कि UVA से जो कि ज़्यादा डेंजरस रेज होती है सन की। तो आपको डेफिनेटली इसके नीचे एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा, आप सनस्क्रीन को स्किप नहीं कर सकते। इस पर अगर SPF 50 लिखा है वो देख के मैं आपको इसको अप्लाई करके अपनी स्किन पर दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने इसको भी अप्लाई करके रखा है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्लशर एंड हाईलाइटर का टच दिया, मैंने इसके नीचे यहाँ पे कोई प्राइमर भी यूज नहीं किया है। तो सुबह आप देख लो इसके एप्लीकेशन किस तरह से मैंने इसको यूज किया है अपनी स्किन पे। सो आप देख सकते हो इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, क्रीमी सी कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है एंड काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन पे ब्लेंड हो जाती है। आप फिंगर की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हो। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन सी कितनी अच्छी फिनिश इसने दी है ब्लेंड करने के बाद। जैसे कि आपने देखा इसकी कवरेज मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है, काफ़ी अच्छी फिनिश ये आपको देता है आपके। आप देख सकते हो मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, बट इसने मेरे पोर्स को भी मिनिमाइज कर दिया है। लिटरली मुझे स्किन की फिनिश बहुत अच्छी लगी, ये अच्छी सी सेटिन काइंड ऑफ फिनिश आपकी स्किन पे देता है जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। 6 से 7 घंटे तक ये आराम से आपकी स्किन पे टिकी रहेगी एंड गर्मियों के लिए तो ये बहुत अच्छी है। गर्मियों में आप ऐसे भी कोई हैवी फाउंडेशन वगैरह या कोई मेकअप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप इसको थोड़ा थोड़ा लगाइए एंड ये आपकी स्किन को अच्छे से ही बर्न आउट कर देगा, आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल मुझे ये टेंट काफ़ी पसंद है मेबेलिन फिट मी का, बट कुछ चीज़ें जो मुझे इसके बारे में नहीं पसंद है वो है, एक तो इसकी पैकेजिंग, कुछ ज़्यादा खास मुझे पसंद नहीं आई है। अगर ये थोड़ी ट्यूब काइंड ऑफ जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ना, कुछ उस तरह की पैकेजिंग में आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। इस तरह की पैकेजिंग में आपके साथ क्या होगा कि जब ये थोड़ा सा ख़त्म होने वाला होगा तो आप इसको अच्छे से स्क्वीज़ नहीं कर सकते एंड आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो सकता है इस तरह की पैकेजिंग में, इसलिए मुझे ये पैकेजिंग कुछ खास अच्छी नहीं लगी है। दूसरा मुझे ये लगा कि इन्होंने इस पर SPF 50 मेंशन तो किया है, बट आपको फिर भी इसके नीचे एक अच्छी सनस्क्रीन को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में, ये आपको सिर्फ सन की UVB रेज से प्रोटेक्ट करेगी, UVA रेज से नहीं। तो सनस्क्रीन मस्ट आपको यूज़ करना है इसके नीचे। और एक और चीज़, इसमें जो शेड रेंज है वो बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ 6 शेड्स हैं एंड वो भी थोड़ा इंडियन स्किन टोन के लिए उतने अच्छे नहीं है, तो शेड्स और अच्छे हो सकते थे इसके। मतलब बस यही चीज़ें मुझे इसकी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, बाकी कुल मिला के प्रोडक्ट का काम तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, फिनिश अच्छी है एंड इसको मैंने बिना किसी प्राइमर के यूज़ किया है एंड काफ़ी अच्छे से ये फिर भी आपके स्किन पे स्टे करता है। एंड एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि मुझे मेरा परफेक्ट शेड इस पर मिल गया है जो कि है 03। सो अगर आपकी स्किन टोन मेरी तरह है तो यू कैन यूज़ 03 ऑफ दिस टिंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड द प्रोडक्ट। सो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।